सोसाइटी में ऐसे भटके हुए लोग हैं जिससे सोसाइटी को हमेशा बहुत खतरा रहता है। उनकी बुरी इंटेंशंस को अक्सर पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे ही बीच में रहने वाले आम लोगों की तरह होते हैं। एज पर लेटेस्ट डाटा 90% क्राइम में क्रिमिनल विक्टिम्स का पहचान वाला या बहुत ही करीबी होता है। ये वीडियो सोशल अवेयरनेस के लिए होमनेस्टी लॉन्च कर रही है। ये वीडियो टीवी, सोशल मीडिया हर जगह पर सर्कुलेट होगा। देखा जाए तो इस वीडियो में जो कहा गया है वैसा मैंने भी अपने करियर में कई केसेस में देखा जहाँ क्रिमिनल विक्टिम के जाने वालों में से कोई एक होता है। अंजलि मुझे बख्श दे, मैं तुझे 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब ये पैसे देके मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है। मैं तुझे 1,50,000 रुपए देता हूँ, तू बस मुझे माफ कर दे। छूना भी मत मुझे, समझा? और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। दीदी आप आ गए, आज इतना लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे बहुत अजीब फील हो रहा है। प्रिया आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी लो पियो। और बताओ क्या हुआ? वो मेरी जॉब छूट गई है, पर तू टेंशन मत ले, हम अभी के अभी पूना शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? अभी? हाँ अभी। घर तो अच्छा है लेकिन रेंट कितना है? मैंने बताया तो था ना, 6,000 रुपए महीना। थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं, और रेंट के साथ साथ डिपॉजिट भी देना होगा 60,000 रुपए। लेकिन आपने तो कहा था। मैंने जो कहा है वही फाइनल, 60,000 रुपए डिपॉजिट और 6,000 रुपए महीना भाड़ा। देखिए मैं 60,000 तो नहीं दे सकती लेकिन 3 महीने का एडवांस। हाँ चलेगा, ठीक है चलेगा चलेगा। थैंक यू। बड़ी जल्दी उनकी शर्त मान ली आपने, पहले से जानते थे क्या? और इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे उन्हें देखकर? अरे तेरे दिमाग में क्या शक करने का सॉफ्टवेयर पड़ा है क्या? कभी सीधा सोचती नहीं। क्या हुआ आई? अरे वो प्रकाश पता नहीं किन लड़कियों को लेके आ गया और तेरे बाबा बिना जांच पड़ताल के उन्हें घर भाड़े पे दे दिया। दीदी आप ठीक हो? हाँ। आपको फिर से वो सपना आया ना दीदी? सपना ही था। दीदी आपने मेडिसिन ली थी, आपको फिर से वो इल्यूजन हो रहा है। फैन क्यों बंद है? वो दीदी लाइट नहीं आ रही है। गणपत तुम्हारे इधर लाइट आ रही है, हमारे उधर नहीं आ रही, एक बार प्लीज चेक कर लोगे क्या? स्टूल मिलेगा? हाँ मैं लेकर आ जाऊँ, ये लो। हमसे गिर गया था, पावर शेडिंग की वजह से शायद। थैंक यू। अब लाइट आ गई, मैं चलता हूँ। मैंने तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा। नहीं इट्स ओके, मुझे वैसे भी रात भर पढ़ाई करनी है। तो कॉफी बना देती हूँ, रात भर नींद भी नहीं आएगी। नहीं नहीं इट्स ओके चलेगा। अरे आओ ना, अरे आओ चलो। अरे कोई बात नहीं चलेगा, बैठो मैं बना के लेकर आती हूँ, बैठो। रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आई वो, अरे वो आंटी मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे घर की लाइट चली गई थी। लाइट जाने का बहाना बनाकर तूने मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाया है क्या? आई कुछ भी तू मत... तो चुप ही कर, तू जानता नहीं है ऐसी लड़कियों को। अरे इनका तो काम ही है अच्छे घर के लड़कों को फंसा कर उनका इस्तेमाल करो। आंटी मैं चुप हूँ तो मतलब आप कुछ भी बोली जा रही हो? तुम मुझसे जवान लड़ाई की 2% की लड़की, खबरदार जो आपने ये सब लैंग्वेजेस यूज किया। तो क्या कर लेगी तू? क्या हुआ क्या? आप तो चुप ही करो,
आपको कहा था ना इन लड़कियों को भाड़े पे मत रखो। देखो इतनी रात को हमारे बेटे को यहाँ पे बुलाकर पता नहीं क्या क्या कर रही थी। अरे कोई वीडियो शूडियो बनाकर ब्लैकमेल करती तो। आंटी अब आप बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ तो क्या कर लेगी तू? कल के कल अगर इन लड़कियों को तुमने बाहर नहीं निकाला ना तो मैं इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। और तुम क्या देख रहे चल यहाँ से। सॉरी लेकिन तुमको दूसरा घर देखना होगा। अरे पर अचानक हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं कुछ कर नहीं सकता इस मामले में। ऐसे कैसे घर छोड़ दे? मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और अब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। पर दीदी गलती आपकी भी तो थी ना। आपको पता है आंटी का नेचर, फिर भी आपने गणपत को बुलाया। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत, जो भी बात है साफ साफ बताइए, घबराने की जरूरत नहीं। बोलिए क्या हुआ? सर मेरा गैंगरेप हुआ है। कितने लोग थे? दो नहीं ये शायद तीन। आप जानते हैं उन्हें? बहुत अंधेरा था, मैं किसी का चेहरा देख नहीं सकी। कहाँ हुआ? मेरे घर। घर पे? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ, हम रेंट पर रहते हैं। सर प्लीज हेल्प मी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, हम मदद करेंगे हर तरह से। लेकिन पहले हमें आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। जो भी आपके साथ हुआ यही हुआ? जी सर। वो लोग जबरदस्ती आए होंगे, लेकिन कमरा देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आप लोगों ने सफाई की थी? नहीं शायद। शायद हाथ पैर बांधे थे ये तो पक्का है ना? तो रेप करने के बाद हाथ पैर तो खोले नहीं होंगे। आपने खुद को फ्री कैसे किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बांधा किस चीज से था? इलेक्ट्रिक वायर था। कोई वायर नजर नहीं आ रहा। शायद उन्होंने मुझे खोला होगा और शायद वायर अपने साथ ले गए। ये आपकी बहन? जी। ये कल रात यहीं थी? क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया बेटा कल रात आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? देखा था आपने, कुछ सुना था? सर प्रिया अंदर कमरे में सो रही थी और दरवाजा बंद था, पर सुबह उठ के मैंने उसे सब बताया। ये लड़की अंजलि कह रही है कि इसका गैंगरेप हुआ, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ इसका कुछ याद नहीं। छोटी बहन साथ में मौजूद थी, उसने भी कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं, कैसे मुमकिन है? पड़ोसी से पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा है सुना। मैं मकान में लिखी मिलता हूँ। ओके सर। क्या अंजलि का रेप? गैंग रेप हुआ मैडम। कब? कल रात को। आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा, स्ट्रगल की कोई आवाज आई होगी, कुछ तोड़फोड़ हुई होगी। कल रात इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई? हाँ सर लाइट तो गई थी, इस इलाके में पावर शेडिंग की वजह से अक्सर लाइट चली जाती है, लेकिन ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी जिससे लगे कि ऐसा कुछ हुआ। अरे कुछ हुआ होता तो सुनते ना। मतलब
सर ये बड़ी लड़की है ना, ये बहुत चालाक है। हमने तो उसे कल ही घर छोड़ के जाने के लिए बोल दिया था, और देखो घर खाली ना करना पड़े इसके लिए ये सब लेकर बैठ गई है। और आप ये घर खाली क्यों करवा रहे थे? वो किराया नहीं दे पा रही थी सर। सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। मकान मालकिन बोल रही है कि लड़की झूठ बोल रही है। सर रात को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई हुई, ऐसी कंडीशन में लोग घरों की खिड़कियाँ खोल देते, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। और बाहर इतना सब कुछ होता रहा और छोटी बहन अंदर सोती रही, उसने भी कुछ नहीं सुना, ये अजीब नहीं है सर? और शर्मा घर में दो लड़कियां मौजूद थी। दीदी कल रात सच में आपके साथ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, पर फिर आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? नम्रता ये क्या हो रहा है? दीदी मैं खेल रही थी। दिन भर बस खेलना ही है तुमको, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो, जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। तुम्हें छोटी बहन है यार, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है इसपे? मतलब क्या तुम्हारा? बस बस मतलब तुम सब समझते हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब ही है मेरा कि माँ के गुजरने के बाद नम्रता को यहाँ ले आई। सर ये अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी बॉडी पे किसी भी तरह की खरोंच के निशान नहीं है, जिससे ये साबित हो कि उसके साथ जबरदस्ती हुई, और ना ही किसी रेपिस्ट के सीमेन सैंपल्स। रिपोर्ट्स भी कंफर्म नहीं करे हैं सर कि उसके साथ रेप हुआ है, हालांकि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। अंजलि की बॉडी पे किसी रेपिस्ट के सीमेन नहीं मिले, और उनके घर पर उन दो बहनों के अलावा किसी तीसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अंजलि की मकान मालिक ने बोला था सर कि अंजलि झूठ बोल रही है, और ये रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही है। देखते हैं अंजलि इस बारे में क्या कहती है। हाँ सर ये बात सच है कि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने को कहा था, लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में रेप हुआ है। गैंग रेप कहा था? हाँ। और आपकी बॉडी पर किसी रेपिस्ट के सीमन नहीं मिले? लेकिन सर उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। हाँ लेकिन लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ रेप करने के बाद मुझे जबरदस्ती नहला दिया था सर, शायद इसी वजह से सिमन। ये आपने हमें पहले क्यों बताया? सर मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ लेकिन आप लोग भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं। मीडिया वाले सही कहते हैं, आप लोग के इसी रवैये की वजह से ना 90% ऑफ रेप विक्टिम रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। देखिए हम खुद कुछ नहीं कह रहे, ये सब आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिख रहा है, और आपकी बहन भी तो मौजूद थी। बेटा हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा आपकी बहन के साथ इतना कुछ हुआ, आपने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं, कैसे? वो सर मुझे उस दिन फीवर था इसलिए मैं दवाई लेकर सो गई थी, शायद इसलिए मेरी आंखें नहीं खुली। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि ने अपनी बहन को रटा दिया है, जो उसे हमारे सामने क्या बोलना। एक काम करते हैं अंजलि से थोड़ा सख्ती से इंक्वायरी करते हैं। नहीं कर सकते, देखा नहीं तो कैसे मीडिया का हवाला देकर रेप विक्टिम्स की बातें कर रही थी। अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया में बवाल मचाएगी कि हम उसकी बात सुन नहीं रहे। तो फिर क्या करना चाहिए सर? पता करना होगा कि अंजलि झूठ किस मकसद से बोल रही है। नम्रता देख तेरा फेवरेट पिज्जा लाया हूं, जल्दी आ। थैंक यू जीजू, आप ना बहुत अच्छे हो। नम्रता ये मार्कशीट तुम्हारे बैग में थी, दिखाए क्यों नहीं? दिन भर या तो बस खाती रहती है या तो खेलती रहती है या थैंक यू जीजू करके घूमती रहती है। अरे तुम चुप रहो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो ना ये नहीं समझ पा रही है। अब रोके मत दिखा, तू ना मेरे गले की हड्डी बन गई है, ना निगल पा रही हूँ ना ही निकाल पा रही हूँ। आपको इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं चली जाती हूँ। नम्रता बस ज्यादा दुलार करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी अपने आप। ये अंजलि और प्रिया को तुम कब से जानते हो प्रकाश? सर मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, मैंने उन्हें किराए पे घर दिलवा दिया था और उन्होंने मुझे मेरा ब्रोकरेज दे दिया। ये चोट कैसे लगी तुम्हें?
सर ये वो मेरी बाइक स्लिप हो गई थी। अच्छा, ये दामोदर की बीवी कह रही थी कि वो लड़कियां उनका किराया नहीं दे रहे थे। नहीं सर, उन्होंने तो 3 महीने का एडवांस दिया था। तो फिर वो उन्हें घर से क्यों निकालना चाहते थे? उनके बेटे गणपत की वजह से सर। मतलब? सर दामोदर की बीवी को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। अरे टेंशन है तभी तो मना कर रहा हूँ तुझे आने के लिए, कुछ दिन आना मत। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ अरे आजकल तो हर रात सुहाग रहा था। फिर मुझे मालूम नहीं था कि तेरी जोड़ी ऐसे रास आएगी। अरे भाई तू बस देखता जा, अपना धंधा भी बढ़ेगा और मजे तो मजे भी होते रहेंगे। अच्छा फिर बॉस कौन है मालूम है ना? कौन है बॉस? एक चीज याद रखना। क्या? 30% तू और 70% मैं। मतलब बॉस तू है? आजा तेरे को खाना खिलाता हूँ। अरे अरे बैठ। अरे नरेंद्र क्या चश्मा पहना है नरेंद्र? ये ले तेरे लिए, इम्पोर्टेंट सिगरेट है, कस्टम का माल है, कश कश के पीना क्या? सच बोलो ना। वाह दे दे। तो सिगरेट पी के मुझे फेफड़े जला के जल्दी नहीं मरना है। दिन की 3 सिगरेट पीता हूँ बस है भाई। वादे का पक्का नरेंद्र। क्या खिला दिया तू उसको? तू कुछ भी बोलती है इसके लिए बन जाती है पत्थर की लकीर। तू तो मेरी हर बात भजियो जैसी तल देता है ना। छोड़ ना यार, मेरे को भूख लगी है, कुछ खिला दे। फ्री में नहीं दूंगी। इतनी महंगी सिगरेट पिलाता हूँ उसको मैं, और तू क्या मेरी माँ हो के तू ऐसा दुकान वाली बात करेगी? तुझे बड़ी पड़ी है अपने माँ बाप की? बाप की आंखें नहीं है, माँ के घुटनों में दर्द रहता है, कभी बटाता है तू हमारा हाथ? ए, मुझे ये स्टॉल वॉल में इंटरेस्ट नहीं है। अपना देखना, यही सड़क पे एक आलीशान रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट में जाके खाना खा। सर मैंने अंजलि की पिछले दिनों की मूवमेंट चेक की, वो पिछले 2 महीने से अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू दे रही है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक जॉब मिली नहीं उसको। मतलब जॉबलेस से? यस सर। उसके मकान मालकिन भी कह रही थी तो किराया नहीं दे पा रही थी। तो क्या मतलब मकान खाली ना करना पड़े सिर्फ इसलिए कोई लड़की इतना बड़ा झूठ बोलेगी? हो सकता है सर उसे कोई दिमागी परेशानी। कैसी दिमागी परेशानी? उसके घर के पास एक केमिस्ट है जहाँ अंजलि हर फ्राइडे जाती है और एक हफ्ते की दवाइयाँ खरीदती है। मैंने उस केमिस्ट से बात की, उसने बताया कि अंजलि ये दवाइयाँ साइकेट्रिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन पे खरीद रही। नासिक की सर्वदीप डिस्पेंसरी की प्रेस्क्रिप्शन थी वो। सर क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? बिल्कुल नहीं, पर आपको मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हैं? किस चीज़ की मेडिसिन ले रही हैं? मैं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। कैसी स्ट्रेस? सर लाइफ में स्ट्रेस कम नहीं है, जॉब का स्ट्रेस, सर्वाइवल का स्ट्रेस, रेंट का स्ट्रेस और प्लस मेरी बहन का फीस का स्ट्रेस। सर मेरे अलावा मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आप एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी वजह से मुझे और स्ट्रेस हो रहा है। सर मेरे साथ इतना कुछ हुआ है और आप बाल की खाल निकालने पे तुले हैं। मैडम अभी तो बाल ही नहीं मिला तो खाल क्या निकालेंगे? एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे साबित हो कि आपका रेप हुआ। सर आप लोगों ने तो ठान ही लिया कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं? अब क्या अपने आप को जलाकर अग्नि परीक्षा देनी होगी? ठीक है तो फिर यही सही। दीदी नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिला सकते ना तो मैं जाने दो। यस सर, ये लड़की मेरी पेशेंट थी, 4 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है? वो सपना। सपना? उसको चलता हुआ देखती हूँ। मैंने इससे 2 सेशन ही बात की थी और मैं समझ गई थी कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि उसका कोई पास्ट है। तो अंजलि ने आपको ये बताया था कि उस औरत से उसका रिश्ता क्या है? एक्चुअली उसने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेशन में उसे डीपली डिस्कस करूंगी, पर उसने तो आना ही बंद कर दिया। वो नासिक में कहाँ रहती है? शायद गणेश नगर, वहीं पास में ही कोई अनुवा केमिकल्स करके कोई एक कंपनी है, शायद उसी में काम करती थी। क्या अंजलि ने रेप केस फाइल किया है? उसने तो हमें ये बताया कि उसका गैंग रेप हुआ है। पर सर ये सब किया किसने?
वो तो अंजलि को भी नहीं पता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसने यहाँ का जॉब क्यों छोड़ा। सर वो जॉब करने आई कहाँ थी? मतलब सर मुझे आपको बताने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपको कहीं और से सच्चाई पता चले इससे पहले मैं आपको सच बता देता हूँ। भाई बहुत तगड़ा ऑर्डर लगा इस बार हाथ। क्या बात है, 1 kg ड्रग कानपुर ले जाना है। रिस्क तो है, पता क्या करें। नरेंद्र, अरे मेरा बाप कब काम आएगा? सुन ये दिव्या लोग है ना, ये लोग को क्या मिलता मालूम है? हमदर्दी। ये लोग का चेकिंग होने का चांसेस बहुत कम है। नासिक में स्टोर मैनेजर कुणाल को रेप की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी, और यहाँ पे ये गैंग रेप चल क्या रहा है? कुणाल झूठ बोल रहा है सर, वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। 1.5 lakh लिए थे तुमने कुणाल से, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है हमारे पास। हाँ मैंने उससे 1.5 lakh लिए थे, लेकिन वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का भी सोचा, लेकिन जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई। सर मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुणाल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कुणाल ही आया था मुझसे बदला लेने के लिए? हमने बार बार पूछा कि आपके साथ जो भी हुआ वो किसने किया, कौन था, कुछ याद नहीं आया, और अब अचानक कुणाल पे शक। नई कहानी, वैसे और भी कई कहानियाँ हैं ये पता चली है। वो औरत कौन है जो जिंदा चली? साइकियाट्रिस्ट ने सब कुछ बता दिया। और भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो? सर मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया। वो औरत कौन थी जो जिंदा चली? वो हमारी माँ थी सर, जिसको हमारी आंखों के सामने जिंदा चला दिया गया। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। मकान मालिक को बोला था कि माँ बाप मर चुके हैं, अब कह रही हो कि बाप जिंदा है, उसी ने माँ को मारा, झूठ क्यों बोला? हाँ सर मैंने झूठ बोला, अगर सच बोलती तो वो हमें किराए पे भी नहीं रखती। अच्छा मकान खाली ना करना पड़े तो इसलिए झूठ का सहारा। एक बात बताओ, तुम खुद के लिए इंसाफ चाहती, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था, तो फिर उस वक्त पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तब हिम्मत नहीं थी सर, पर अब लग रहा है सच बोल के भी कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपनी माँ की तरह जल के मर जाएं? एक और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझे? सर आप ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ सकते, मेरा गैंगरेप हुआ है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे गुनाहगारों को पकड़ें। ये काफी सदमे में है, पूछिए इसे इसके साथ क्या हुआ था और ये इस मार्केट में कैसे पहुंची। तू ठीक है ना? मेरा रेप हुआ दीदी। क्या ऐसी सारी बातें नहीं करते नंदिता? नहीं दीदी मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, तू तुझे नहीं समझ आ रही? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? बोलो बेटा डरो मत। नहीं मैम इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, अभी इसने खुद कहा। मैंने कहा ना आपसे इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये बस हमसे नाराज थी इसीलिए घर से भाग गई थी। हमें इससे बात करने दो। मैम मैंने कहा ना आपको इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, तू बता ना इनको, बता इनको। बोलो। देख लिया आपने, ठीक है ये इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। नम्रता हाँ ये हमारे गांव की ही है, भालेराव की बेटियां हैं। देखिए सरपंच जी, इन दोनों बहनों ने बयान दिया हमें कि गांव के कुछ लोगों ने इनके बाप के साथ मिलके इनकी माँ को जिंदा जला दिया था। साहब हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है, और इनका बाप कुछ भी कर सकता है, एक नंबर का कमीना है, अपनी बीवी से धंधा करवाता था जानवर। चल कहाँ भाग गई थी और ये क्या नई स्टोरी बनाई है? मेरा सच में रेप हुआ। बस आज के बाद ये बात तेरी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। अंदर जाओ और कपड़े बदल, और आज से तेरा इस घर के बाहर निकलना बंद। अंजलि के गांव वालों का भी यही कहना है सर कि अंजलि और प्रिया का बाप उनकी माँ से धंधा करवाता था, हो सकता है अंजलि और प्रिया उससे भाग रही हैं। तो शर्मा अंजलि ने हमें जो अपने पास्ट के बारे में बताया उसमें सच्चाई तो है, लेकिन सर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है दोनों बहनें अपने बाप के कहने पे लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूल करती हैं, जैसे अंजलि ने कुणाल को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया, और यहाँ वो कह रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला सर, हो सकता है इसके पीछे अंजलि का कोई एजेंडा हो। लेकिन शर्मा
सबूत तो एजेंडे के भी नहीं मिले। क्यों ना हम इस केस को इस नज़रिए से तहकीकात करें कि अंजलि के साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल हो। एरिया के जितने भी उठाई गिरे हैं हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ, पर अगर ये गैंग रेप है तो फिर अंजलि के साथ किसने किया? उसने कुनाल पे शक जताया था, देखता हूँ वो उस रात कहाँ था। एजेंट प्रकाश को भी चेक करो, और दामोदर के बेटे गणपत के साथ अंजलि फ्रेंडली हो रही थी इसलिए दामोदर की बीवी विनीशा दोनों बहनों से मकान खाली करवा रही थी। फिर उस फैमिली को चेक करो। ओके सर। मेरे फोन में क्या चेक कर रही? यही कि उस रात तुमने किसे कॉल किया। अंदर चल। अरे तुम लोग बाहर से कहां से आ रहे हो? अरे सिगरेट पी रहा था बाहर, आज के बाद सिगरेट पीना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल अंदर। तुमने गणपत को सिगरेट पीते हुए देखा था या उसने तुम्हें कुछ करते हुए देख लिया था? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ तो उस रात प्रकाश को क्यों कॉल किया था तुमने? अरे तू ही तो बोली थी कि लड़कियों से घर खाली कराने का है, अभी उनके एजेंट को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हुआ? उस रात तेरे पापा ने तुझे सिगरेट पीते ही पकड़ा था ना, या कुछ और करते हुए? क्या बोल रही आई? यही कि तेरा बाप तुझे बचा रहा है या तू अपने बाप को बचा रहा है? दीदी मैं आप पर डाउट नहीं कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। मैं भले उस रात दवाई लेकर सो गई थी पर आप चिल्लाते तो कोई ना कोई तो सुनता। जोर जोर से चिल्ला सकती थी लेकिन मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया तेरी वजह से। मेरी वजह से? क्योंकि अगर मैं चिल्लाती तो तू भी उठ जाती और फिर उन लोगों को पता चल जाता तो जैसे मेरे साथ किया वैसे तेरे साथ भी करते। नम्रता ने हमें आपके फोन से कॉल किया था, उस दिन तो आप दोनों ने इसे बोलने नहीं दिया लेकिन अब हम नम्रता से बात करेंगे। घबराओ मत बेटा, बोलो। मैं दीदी से गुस्सा थी और दूर चली गई थी, वहां बहुत अंधेरा था। कौन था वो, तुम जानती थी उसको? अंजलि है बेटा। आप फिर आ गई मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाने। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बोलिए। कई बार हम लोगों को समझने में भूल कर बैठते हैं क्योंकि हम उन्हें उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से हम उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन हर बात का दूसरा पहलू भी तो होता है। आप ही सोचिए कि मैं अपने रेप को लेके झूठ क्यों बोलूंगी। कई बार सच बदनाम हो जाता है और झूठ को हमदर्दी मिल जाती है। आप तो मुझे बदनाम करना चाहती थी। जिस तरह से तुम अपने सच के साथ खड़ी हो जो बहुत शर्मिंदगी हो रही, और अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है और अब मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सर उस रात मैंने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी थी। पर ये अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सर याद आया तो बता दिया। अब कुछ सुना था तो कुछ देखा भी तो होगा।
कुछ देखा था? नहीं सर, देखा तो कुछ नहीं था। सर भले ही अंजलि की मकान मालकिन भी उस पर भरोसा कर ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात दो या तीन लोग उस घर में आए थे जिन्होंने अंजलि का रेप किया था। दामोदर गणपत और आसपास के कुछ लोगों कॉल रिकॉर्ड चेक किए मैंने, लेकिन किसी में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और सर लोकेशन रिकॉर्ड से भी कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये सारे लोग एक ही एरिया में रहते हैं। इस कुणाल की भी अलाबाई चेक की मैंने, वो सर नासिक में ही था, उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विनीशा का बेटा गणपत, इसकी अंजलि से दोस्ती थी, तो क्या विनीशा अंजलि का जज्बा देख कर डर गई, घबरा गई, इसलिए अंजलि को कॉन्फिडेंस में लेने का नाटक कर रही? और जिस तरह से ये सब कुछ अंधेरे में हुआ है, डीएनए मिटा दिया गया, घर की एक एक चीज़ बिल्कुल अपने ठिकाने पे थी, परफेक्ट, ये सब तो कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। राइट सर, और ज़्यादातर सीसीटीवी ऑफ थे। क्या क्रिमिनल पहले से जानता था कि लाइट जाने वाली है? क्या क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हो सकता है? सर मैंने एक चांस लिया था, उस रात नाइट ड्यूटी पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स थे उन सब की लिस्टिंग की थी मैंने, यहाँ तक कि उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उन सब से बात की मैंने, पर कुछ मिला नहीं सर। मैं इस केस फाइल को अनसॉल्व केसेस की फाइल में नहीं देख सकता। इस केस को हमें किसी भी सूरत में सॉल्व करना है। सर कमेंट, ऐसे दो केसेस मिले हैं जिनमें रेप विक्टिम की स्टेटमेंट अंजलि की स्टेटमेंट से काफी मैच कर रही है। कानपुर में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ था सर। मतलब इन तीनों केसेस में मर्डर सप्रेंडी के अलावा अंधेरा भी कॉमन। हमें लगता है कि आप तीनों का रेपिस्ट एक ही है, इसलिए जिस दिन ये वारदात हुई हम जानना चाहते हैं कि उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, डिटेल में। सर उस दिन मेरा मेरे बहू के साथ झगड़ा हुआ था। मैं बीकानेर जाना चाहती थी अपने भाई के घर। बस स्टॉप के पास किसी ने कहा कि दिन की आखिरी बस निकल गई है। वहाँ से बाईपास 1 किलोमीटर दूर था, मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला, मैं पैदल ही जा रही थी। क्योंकि नम्रता के क्राइम सीन से जो ब्लाइंड मैन गायब वो आज तक मिला नहीं। जरा उस कंपनी में पता करो, क्या वहाँ पर कोई ब्लाइंड मैन सेल्समैन? ओके सर। नरेन, हाँ किरण हमेशा लेट आता है। हाँ अभी क्या कर सकते हैं। किरण आ गया। कितना वेट कराता है तू? अरे वेट मैं कहाँ करवाता हूँ, वेट तो तू करवाता है। हर औरत के साथ सबसे पहले लगता है और इतना लंबा लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है। सर उसका लोकेशन यही शो हो रहा है, शायद वो ट्रेवल कर रहे हैं। कहीं वो इस बस में तो ट्रेवल नहीं कर रहा? हो सकता है सर। फॉलो करो बस को। मुझे तो 18 साल से ज्यादा नहीं लगती। मुझे तो 30 की लगती है। कानपुर की नम्रता, जयपुर की शांता और पुणे की अंजलि, तीनों विक्टिम्स ने तुम लोगों की तस्वीरों को आइडेंटिफाई किया। हो ही नहीं सकता, आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। सब साबित होगा जब तुम तीनों को खड़े करके कोर्ट में विक्टिम के सामने तुम्हारी परेड करवाएंगे। और आज उस लड़की के साथ जो तुम लोग छिछोरी हरकतें कर रहे थे उसका वीडियो है हमारे पास। अब बोलोगे या डंडा सुंघाएं तुम लोगों को? वो हम तीनों दोस्तों को लत सी है, किसी भी औरत की खुशबू सुन के हम उसकी वर्दा, अंजलि भी वर्दा की है तो जानता है ना उसको? जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कुछ जाने पहचाने सी लगती है। उसके गांव के पास ही मेरा गांव था,
उसके बाप को भी जानता था मैं, बहुत पहले उसकी फैमिली से भी मिला था। आवाज से पहचान लिया? मुमकिन ही नहीं है। दिखता है ना तुझे, अंधा नहीं है ना तू? मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ, 70% अंधा हूँ मैं, और ये किरण ये 60% अंधा है, और नरेंद्र कंप्लीट ब्लाइंड। ताज्जुब इस बात का नहीं कि तुम लोग विक्टिम्स के साथ रेप करने के बाद उन्हें नहला देते थे ताकि सीमेंस धुल जाए, तुम्हें ये सब पता था? इस बात की हैरानी नहीं, हैरानी इस बात की है कि विक्टिम्स को पता नहीं चलता था कि तुम लोग अंधे हो, ब्लाइंड हो, और इतनी सफाई से अपना काम करके निकल जाते थे। कैसे करते थे इसे? अंधेरा आंख वालों की कमजोरी है, हमारी नहीं। बाबा। बेटा बेटा उठ, मुझे तुम लोगों के बारे में गांव के कुछ दोस्तों से मालूम हुआ। वो जब पुलिस यहाँ आई थी, अंजलि बेटा मेरा यकीन मानो, मेरा कोई हाथ नहीं तुम्हारी आई की हत्या में। उस दिन अगर मैं तुम दोनों को लेके ना जाता तो गांव वाले तुम लोगों को भी जला डालते। अरे उन लोगों ने तो तुम्हारी आई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें डायन बोला। बहुत कमीने हैं ये गाँव वाले। बेटा मैं तुम्हारी आई से बहुत प्यार करता था, और बेटा मैं तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे स्ट्रेंज केस के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था सर। मुझे तो अब भी सोच के ये ताज्जुब हो रहा है कि हमने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जिनके प्रति लोगों का रवैया हमदर्दी भरा ही होता है। इसलिए तो कभी किसी ने इन पर शक ही नहीं किया। दरअसल इस तरह के लोगों की रॉन्ग इंटेंशन को लोग कभी भांप ही नहीं पाते, पर इन विक्टिम्स की आपबीती से लोगों को सबक लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और एक बात सर, अंजलि अपनी माँ की हत्या के इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, उसने मदद मांगी हमसे। हमारा काम ही है मजलूम को इंसाफ दिलाना और लोगों को मदद करना, वो हम करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.